गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 10th का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लाइट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है होता है। इससे रिलेटेड हम लोग कई सारे फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। आपने देखा होगा स्काई में रेनबो बनता है ना, स्कैटरिंग एक फेनोमेना होता है। तो इस तरह से कई सारे फेनोमेना हम लोग नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा कि नेचर जो है कितना खूबसूरत है ना। माउंटेन्स हम लोग देखते हैं, रिवर्स है ना, ये सन मून, जब तक लाइट नहीं हो ये सारे नेचर को हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना। जितनी खूबसूरती है नेचर को हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो लाइट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर 10th में हम लोग केवल दो फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें पहले जानना चाहिए लाइट के बारे में, है ना। जैसे कि कभी हमने ध्यान से सोचा नहीं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कब दिखता है और क्यों दिखता है, और किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो इमेज हमें कब दिखता है और क्यों दिखता है, है ना। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर जाननी है, ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कुछ फिगर बनाया है और कुछ लिखा भी है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि लिखने का जो टाइम है वो सेव हो, और हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो थोड़ा छोटा वीडियो हो, ज्यादा टाइम नहीं लगे, कम से कम समय में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकूं, इसलिए मैंने ये फिगर और थोड़े से स्टेटमेंट्स मैंने पहले से लिख दिए, है ना। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें क्यों दिखता है, ठीक। तो किसी ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए ये जरूरी है कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकले और हमारी आंख तक जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बिजली जाती है, तो हम लोग कहते हैं लाइट चली गई, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जाने से जो है अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, हमें तो कुछ दिखती नहीं है, तो हम बोलते हैं, है ना, हालांकि गलत बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि लाइट चली गई, है ना। तो लाइट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो कुछ भी दिखता नहीं है हमें, है ना। तो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि लाइट नहीं हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल के हमारी आंख तक पहुंचता था वो पहुंचना बंद हो जाता है, और जब पहुंचना बंद हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता, है ना। तो जैसे मैंने यहां पर देखेंगे मैंने एक डायग्राम बनाया है, जैसे ये हो गया सन और ये ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर के आईज हैं यहां पर। तो देख सकते हैं कि जो सन है वहां से लाइट निकल के हमारी आंख तक जाता है तो सन हमें दिखता है ना। उसी तरह से ये मून है ना, तो मून भी हमें दिखता है, लेकिन मून कैसे दिखता है, सन से लाइट निकलता है और मून पर जाता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख तक जाता है, तब मून हमें दिखता है। तो यहां भी मून से लाइट निकल रहा है और हमारी आंख तक पहुंच रहा है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलना चाहिए और ऑब्जर्वर के आई तक पहुंचना चाहिए, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है ना। अब ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारी आंख तक पहुंच रहा है, उस लाइट को निकलने के दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि सन खुद ही लाइट यहां से इमिट कर रहा हो, जैसे सन है खुद लाइट इमिट करता है वहां से, और इसलिए हमें सन दिखता है। और मून हमें कैसे दिखता है कि जो सन है, सन से लाइट वहां पर जाता है और मून उसको रिफ्लेक्ट करके यहां पर भेजता है ना। तो दो तरीके से हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं। जैसे हमारे जो रूम्स होते हैं उसमें बल्ब लगे होते हैं, हमें बल्ब भी दिखता है। बल्ब क्यों दिखता है, क्योंकि बल्ब से लाइट निकल के हमारी आंख तक जाता है। लेकिन रूम में रखे हुए चेयर टेबल हमें कैसे दिखते हैं, क्योंकि बल्ब से जो लाइट निकलता है वो चेयर से रिफ्लेक्ट होकर के, टेबल से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख तक पहुंचता है, तब जो है हमें वो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, वो चेयर दिखता है, वो टेबल दिखता है, ठीक। अगर बल्ब को बंद कर दिया जाए तो बल्ब तो नहीं दिखेगा, साथ में चेयर और टेबल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है वो हमारी आंख तक नहीं पहुंचती है, ठीक। अब हमारी आंख तक पहुंच रही है, अगर मैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दूं, जैसे सपोज यहां पर कोई स्क्रीन लगा दिया जाए, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया,
है ना, यहां से जो लाइट जा रहा था वो यहां पर रोक दिया गया, रोक दिया गया तो हमें सन नहीं दिखेगा, है ना। सन हमें दिख रहा है, सामने मैं हाथ लगा देता हूं तो वहां से आने वाली लाइट को हमने रोक दिया है, वो लाइट हमारी आंख तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है। दोनों ही केस में है ना, या तो जैसे यहां भी देखेंगे, या तो यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया जाए या यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया जाए। यहां लगाने से क्या होगा कि सन से जो लाइट निकल रहा है वो मून तक जाएगा ही नहीं, है ना, और जब मून तक जाएगा नहीं तो वहां से रिफ्लेक्ट होगा नहीं तो हमें नहीं दिखेगा ही, उस वो मून नहीं दिखेगा हमें। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि मून और जो ऑब्जर्वर है उसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा देंगे, तो मून से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था वो भी हमें नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसा जो है, ऐसे कई सारे फेनोमेना होते हैं, आपने सुना होगा कि जो है चंद्र ग्रहण होता है ना, तो वो उसमें ऐसे कई सारे फेनोमेना होते हैं जिसमें बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो वहां से आने वाला जो लाइट है हमारी आंख तक नहीं आता, है ना। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कब दिखता है, पहला चीज तो ये कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके हमारी आंख तक आना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज ये कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंख तक आ रहा है वो दो तरीके से आ सकता है, या तो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सोर्स हो लाइट का, वहां से लाइट निकल के आ रहा हो, और दूसरा ये हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट पर लाइट कहीं और से आ रहा था और उस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया था, है ना। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, इसको मैंने यहां पर लिख दिया है। क्या लिखा है, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट मस्ट रीच आवर आईज, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है वो हमारी आंख तक आना जरूरी है, ठीक। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम जानते हैं कि कुछ इमेज भी बनता है, हर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया जा सकता है, है ना। तो हमें इमेज कब दिखेगा, तो इमेज बनने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर मैंने दो डायग्राम बनाया है ना। इमेज बनने के लिए क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलना चाहिए और कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मिरर होता है, लेंस होता है ना। तो मिरर हो या लेंस हो उस पर लाइट जाएगा ऑब्जेक्ट से, और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लाइट को बेंड कर देते हैं, या तो रिफ्लेक्ट कर देंगे या रिफ्रैक्ट कर देंगे, है ना, लाइट को वो बेंड करते हैं। जब बेंड करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है हमें ओरिजिनल पोजिशन पर नहीं दिखता, कहीं और दिखता है। तो वो ऑब्जेक्ट कहीं जहां भी और कुछ कहीं और जगह पर दिखता है वही हमारे लिए इमेज होता है ना। जैसे इसमें देखेंगे यहां पर हमने एक मिरर लगाया है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, यहां से लाइट निकल के गया मिरर पर, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर तक गया, ये ऑब्जर्वर है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर है उसको ये लाइट कहां से आता हुआ दिखेगा, उसको लाइट आता हुआ दिखेगा सीधा कहीं यहां से सामने से, और इसलिए उसको ये ऑब्जेक्ट यहां पर पीछे दिखेगा मिरर के पीछे। तो देखेंगे कि ये जो मिरर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, लेंस भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और मिरर भी एक तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए, है ना। तो मिरर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाइट को बेंड कर दे रहा है ना। लाइट ऐसे गया था, लाइट जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसने क्या किया, इसको बेंड कर दिया। जब बेंड कर दिया तो ये जो ऑब्जेक्ट है कहीं और दिखने लगा, है ना, और दूसरी जगह पर जो दिख रहा है वो एक्चुअली में इमेज है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट को छोड़कर के दूसरी जगह जहां भी दिख रहा है वो हमारे लिए इमेज है, है ना। वैसे यहां पर देखेंगे कि जैसे ये सपोज जो है ये वाटर है, है ना, यहां पर ये वाटर है और वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से लाइट निकल रहा होगा ऊपर, ऊपर निकल करके, क्योंकि लाइट जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है तो इसको लाइट क्रॉस कर सकता है, तो लाइट क्रॉस करके जो है क्रॉस करने के बाद ये बेंड हो जाता है ना। यहां पर रिफ्रैक्शन नाम का फेनोमेना होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। ये रिफ्लेक्शन होता है जिसमें लाइट रिटर्न होकर वापस उसी मीडियम में आ जाता है जहां से गया था, और रिफ्रैक्शन में जो है दूसरे मीडियम में चला जाता है, जैसे यहां वाटर से एयर में जा रहा है ना। तो जब दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, वो बेंड हो जाता है ना।
तो ये लाइट जो है यहां से जा रहा था और ऐसे बेंड होकर के इस ऑब्जर्वर के पास चला गया, है ना। तो देखेंगे कि इस ऑब्जर्वर के पास गया तो इस ऑब्जर्वर को ये लाइट कहां से आता हुआ दिखेगा, उसको ये लाइट जो है यहां से आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, सीधा चल रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को लगा कि लाइट कहां से आ रहा था, यहां से, और इसलिए उसको ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट का ये जो दूसरा पोजीशन आ गया है वो उसके लिए इमेज है, क्योंकि ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में तो यहां पर है ना। तो यहां जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट वो एक्चुअली में वो इमेज है, ठीक है। तो इमेज बनने के लिए क्या जरूरी है, यहां भी जो है जो ऑब्जेक्ट के लिए जो कंडीशन बताया था वो कंडीशन यहां भी सेटिस्फाई है ना। वो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है कि जो लाइट है ऑब्जेक्ट से निकल करके ऑब्जर्वर के आंख तक जा रहा है, यहां भी ऑब्जेक्ट यहां से निकल करके ऑब्जर्वर तक जा रहा है लेकिन बेंड होकर के जा रहा है, उसमें सीधा जाता था। आप देखेंगे यहां पर क्या है कि ये ऑब्जेक्ट था, इसे डायरेक्ट निकल के ऑब्जर्वर तक गया, इसमें मून ऑब्जेक्ट था हमारा, सीधा निकल के गया ऑब्जर्वर के पास, है ना। तो ऑब्जेक्ट दिखने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइट ऑब्जर्वर तक जाना चाहिए, लेकिन इमेज देखने के लिए क्या है, लाइट ऑब्जेक्ट से निकलकर ऑब्जर्वर तक जाएगा लेकिन बीच में कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो बेंड हो जाएगा, और बेंड होकर के हमारे आंख तक जाएगा तो हमें उसका इमेज दिखता है, मतलब वही ऑब्जेक्ट किसी और पोजिशन पर दिखता है तो उसको हम लोग इमेज कहते हैं, ठीक है। तो इमेज देखने के लिए क्या जरूरी है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे यहां पर मिरर है और ये यहां पर जो है वाटर सरफेस जो है एक तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है जो लाइट को बेंड कर रहा है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है लाइट को बेंड करेगा और वो लाइट जो है ऑब्जेक्ट से निकल कर हमारे आंख तक जाएगा तो वो उसका हमें इमेज दिखेगा, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट और इमेज हम लोग बार बार बोल रहे हैं, है ना। इनफैक्ट पूरे लाइट का जो चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज जो टर्म है वो सबसे ज्यादा आता है। तो पहले हमें यह समझना होता है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और इमेज होता क्या है। जब तक ये दो डिफिनेशन हम लोग नहीं समझते हैं तब तक ऑप्टिक्स हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑप्टिक्स है, ये जो लाइट वाला जो चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आपको मिलेगा नहीं फिजिक्स में, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे फेनोमेना हम लोग नेचर में एक्चुअली में ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो वो फेनोमेना को समझने के लिए ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है ना। और स्पेशली जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, ये डिफिनेशन इसलिए जरूरी है कि आगे जाकर जब आप 11th 12th में जाएंगे, है ना, इनफैक्ट 10th में भी आप पढ़ेंगे, तो ये जो डिफिनेशन है जब तक ये सही तरीके से हमें समझ में नहीं आएगा तो जो प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी। इनफैक्ट रे डायग्राम ड्रॉ करने में भी डिफिकल्टी आएगी, ठीक। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, है ना। यहां पर देखेंगे ऑब्जेक्ट का मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जरूरी नहीं कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मिरर हो, वो हो सकता है कि लेंस हो। जैसे अगर मैं यहां पर लेंस रखता हूं तो लेंस में भी क्या होता है, सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से बहुत सारी लाइट रे जा सकती है, सारी रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन का मतलब इसको ट्रांसमिट करने के बाद जो है यहां पर कहीं पर मिलेंगी, है ना। तो इस पे देखेंगे कि ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, दोनों इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है, यहां पर, और इसलिए ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट भी होता है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो इंसिडेंट रे है वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करते हूं। जैसे देखेंगे कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं से इमर्ज हो रही है तो वहां पर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो रियल ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, व्हेन इंसिडेंट रेज
एक्चुअली इंटरसेक्ट, है ना, और जो वर्चुअल इमेज है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यहां पर अभी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन इंसिडेंट रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट, मतलब कि एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करते बल्कि इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, है ना, यहीं पर डायग्राम बनाते हैं। जैसे सपोज ये एक मिरर है ना, ये एक मिरर है और लाइट रेज ऐसे आ रही है कहीं से, है ना, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो यहां पर कहीं आएगा। ये जो है एक तरह से ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि आपने प्रैक्टिकली जो है रियल लाइफ में देखा होगा, आपने एक मिरर लिया है ना, तो मिरर के अंदर सन का इमेज दिखता है। सन का जो इमेज दिखता है वो हमारे लिए जो है वो, अगर सन को ऑब्जेक्ट मानते हैं, है ना, सन को इमेज ऑब्जेक्ट मानते हैं तो जो अंदर बन रहा है वो इमेज है, ठीक। लेकिन कई बार आपने क्या किया होगा कि उस मिरर को ऐसे घुमा देते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है, लाइट जो सन से आ रहा है उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से किसी दीवार पर एक ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखता है, ब्राइट स्पॉट दिखता है हमें, है ना। वो जो ब्राइट स्पॉट है एक्चुअली में वो भी एक इमेज है ना। तो अगर जो दीवार पर बन रहा है अगर उसको हम इमेज कहेंगे तो इस मिरर के अंदर जो था वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है ना। जैसे यहां पर देखेंगे कि ये जो है अंदर, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहीं दीवार पर, सपोज इधर है कोई दीवार है ना, तो इस दीवार पर ब्राइट स्पॉट दिखेगा तो ये इमेज बन गया, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, और सन को अगर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो अंदर जो बन रहा था वो एक्चुअली में इमेज है ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, है ना, तो जो मैंने डायग्राम यहां पर बनाया है इसमें इंसिडेंट लाइट रेज इस मिरर के अंदर जो है वो आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्चुअली में यहां तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती क्योंकि जो लाइट रे है वो मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता है। एक्सटेंड करके मिलाया मतलब ये यहां पर मिलती हुई अपीयर हो रही है, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही, एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो जैसा कि मैंने यहां डिफिनेशन बताया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, व्हेन इंसिडेंट रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट, एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है ना। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, है ना। अब देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में, इमेज क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलने वाला किसी इंस्ट्रूमेंट पर जाता है और बेंड होकर के कहीं दूसरी जगह दिखने लगता है तो हमारे लिए इमेज है ना। तो फिजिक्स में उसका जो डेफिनेशन है वो ऐसा है, ये है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज फ्रॉम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो इंसिडेंट लाइट रे गिरती है तो वहां से दो तरह के फेनोमेना हो सकते हैं, या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है या रिफ्रैक्ट हो सकता है, दोनों ही केस में उसका डायरेक्शन चेंज होता है ना। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगे सबका इंटरसेक्शन पॉइंट एक आएगा, है ना। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो सारे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आएगा, ठीक। उसी तरह से अगर जैसे लेंस की बात करें तो उसमें लाइट जो है वो क्रॉस कर जाता है, सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करने का मतलब रिफ्रैक्ट हो गया, तो रिफ्रैक्ट होकर के भी जाकर फिर एक ही पॉइंट पर मिलता है। तो जिस पॉइंट पर मिलेगा रिफ्रैक्टेड लाइट जहां पर मिलेंगी उसको हम लोग इमेज कहेंगे, है ना। तो जैसे ये जो डायग्राम बनाया है यहां पर देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, और ये जो लाइट यहां पर इंसिडेंट हुआ था ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस यहां पर चले गया, ये जो लाइट आया ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गया है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, इन तीनों को अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हैं तो कहां जाकर मिलती है, यहां पर। तो ये जो है हमारे लिए इमेज है ना। यहां पर दो तरह के फिनोमेना हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है या रिफ्रैक्शन हो सकता है।
तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट होने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज बन गया। ठीक, अगर इंस्ट्रूमेंट से रिफ्रैक्ट होता है जैसे कि लेंस में हो रहा है ना, तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जहां मिलेगी, जैसे देखेंगे ये भी रिफ्रैक्टेड है, ये भी रिफ्रैक्टेड है, गिरने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जहां पर मिलेंगी ना, इस पॉइंट को हम लोग इमेज करते हैं, ये इमेज हो गया। तो इमेज का बेसिक डिफिनेशन ये हो गया। अब जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, वैसे ही इमेज भी दो टाइप के होते हैं, मतलब कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज का मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट हो या रिफ्रैक्टेड लाइट हो, जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल बोलेंगे, है ना, व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, है ना, जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा यहां पर, है ना, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है वो ऐसे आया था, ये तो इंसिडेंट लाइट है, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर जाकर के मिल जाते हैं, तो ये जो है ये इमेज जो है ये रियल इमेज है, है ना। रियल इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्क्रीन की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने बताया कि सन से लाइट रेज आती है, मिरर से हम लोग उसको रिफ्लेक्ट कराकर दीवार पर दिखाते हैं ब्राइट स्पॉट, तो जो दीवार है वो एक्चुअली में स्क्रीन का काम कर रहा है ना, तो स्क्रीन पर रियल इमेज को देखा जा सकता है, बिना स्क्रीन के नहीं देखा जा सकता है ना। तो ये जो यहां पर जो इमेज बनेगा रियल इमेज, उसको हम लोग दीवार पर देख सकते हैं या स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर एक्चुअली में ये इंटरसेक्ट कर रही है। यहां भी लेंस वाले केस में ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है ना, और इसलिए ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है और ये भी रियल इमेज है। ठीक है, उसी तरह से वर्चुअल इमेज, जैसे कि हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन बताया कि ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है ना, तो वर्चुअल इमेज तब कहेंगे व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट अपीयर टू इंटरसेक्ट। अपीयर टू इंटरसेक्ट का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना, एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होंगे। उस केस में जो इमेज बनेगा उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, है ना, यहां पर क्या हो रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये तो डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज होने का मतलब ये दूर जा रहे हैं, तो उधर जाकर कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, उनको पीछे खींच करके हम लोग यहां पर मिला रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है ना, एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, आगे जाकर इधर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो ये जो इमेज बना इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कह सकते हैं, है ना। तो वर्चुअल इमेज जो है मिरर में भी बनता है, लेंस में भी बनता है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि किस किस केस में वर्चुअल बनता है, किस किस केस में रियल बनता है। तो अभी जो बेसिक चीजें हमने बताई, है ना, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के आगे की जो थ्योरी है वो हमें समझ में आएगी।